नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। लड़कियों, लव जिहादियों से सावधान हो जाओ, क्योंकि कब कोई शहनवाज गोलू बनकर तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा दे कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि यूपी के उन्नाव में शहनवाज नाम के एक मुस्लिम युवक ने पिछले 3 साल से एक हिंदू युवती को गोलू नाम बताकर उसके साथ प्यार का स्वांग रचता रहा। इतना ही नहीं, वो पिछले 3 सालों से युवती का शारीरिक शोषण भी करता रहा और शादी के नाम पर युवती से 2,10,000 रुपए भी ऐंठ लिए। लेकिन जब उसका भेद युवती के सामने खुला तो युवती दंग रह गई। युवती ने जब इस बारे में शहनवाज से बात की तो शहनवाज ने फोन काट दिया और अब वो युवती का फोन नहीं उठा रहा। आपको बता दें कि लखनऊ जिले के माल थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली एक युवती ने हसनगंज कोतवाली में शिकायती पत्र दिया है, जिसमें युवती ने बताया है कि मोहाना चौकी क्षेत्र नगर पंचायत मोहाना निवासी शहनवाज नाम का एक मुस्लिम आधार कार्ड में नाम बदल कर शादी का झांसा देकर 3 साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। युवती ने शादी का दबाव बनाया तो मारपीट करके उसे भगा दिया और अब उसका फोन भी नहीं उठा रहा। रहने वाला मोहान का शहनवाज है और हिंदू बनके हमारे साथ इतने दिन रहा, 3 साल रहा लंका ठीक हिंदू बनके। अब वहाँ से हमें पता चला जब मोहनदन है तो उस पर हमें परेशान रहा, तो फोन मेरा 3 दिन से नहीं उठा रहा, हमसे बात भी नहीं कर रहा, हमसे शादी भी नहीं करना चाहता है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि एक युवती ने थाने में दुष्कर्म की शिकायत कराई थी और युवती के शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज दिनांक 8/9/22 को थाना हसनगंज अंतर्गत एक महिला द्वारा बलात्कार की तहरीर दी गई, जिसके विरुद्ध दिया गया उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत करके उचित कार्रवाई की जा रही है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीके न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।